प्यारे बच्चों नमस्कार। उच्चिष्ट भारत पाठशाला की एक नई वीडियो में आपका फिर स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या निकालना सीखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, इन सभी को निकालना हमने सीखा था। अच्छा, अब हम क्या निकालना सीखेंगे, अब हम कुछ निकालना नहीं सीखेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज आपकी 8.1 बुक के हिसाब से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप लोगों को सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, जल्दी से उतार लें फटाफट, मैं रफ करने वाला हूं इसे। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले साइन ए, कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी। तो बच्चों जैसा कि उसने हमसे चित्र क्वेश्चन में कह रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, क्या है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें बी क्या है, समकोण है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, समकोण। ए कोई सा भी ले सकते हैं और सी कोई सा भी ले सकते हैं, ए और सी से ले लिया। एबीसी क्या है, एक त्रिभुज, बी क्या है इसमें, समकोण। अच्छा अब आप लोगों ने जो क्वेश्चन उतारा है उसमें देखें ए बी कितना दे रखा है, इन्होंने ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। हमें ये निकालना है, सबसे पहले तो निकालना तो क्वेश्चन में कुछ और है, निकालना है साइन ए और कॉस ए, फिर सेकंड पार्ट में साइन सी और कॉस सी। लेकिन उसे निकालने के लिए पहले हमारे पास कर्ण हमें पता होना चाहिए कि कर्ण कितना है, तो कर्ण निकालते हैं भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक काम करना, आप लोगों को मैंने कर्ण निकालना सिखा दिया, आप लोग स्वयं ही निकाल लेंगे, है ना। कर्ण हो जाएगा लगभग 25, कर्ण कितना हो जाएगा 25, आप लोग निकाल करके चेक कर लेंगे कि कर्ण कितना आ रहा है, मुझे पता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, आप लोग स्वयं निकालेंगे कर्ण को, निकालना मैंने सभी को सिखा दिया है, ठीक। अब हमारे पास कर्ण भी आ गया, कर्ण हमने निकाला कैसे है, हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके कर्ण को निकाला है, ठीक है। किस चीज का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का, हमने किस चीज का यूज किया है, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए, तो साइन ए सबसे पहले हमें साइन तो पता है निकालना, साथ में क्या निकालना, ए। मैंने कल आपको बताया था कि जब भी जिस चीज को कहता है हम उसी को थीटा मान लेते हैं, अभी हमें थीटा किसे मानना है, ए को मानना है, किसे, ए को, तो हम थीटा किसे मानेंगे, ए को मानेंगे। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये पहले वाले पार्ट के लिए, थीटा के सामने का क्या हो जाएगा, लंब, तो थीटा के सामने यानी ए के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने वाला कर्ण, और थीटा और 90 को मिलाने वाला आधार, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा ये तीनों चीजें हो गई, कर्ण, लंब, आधार, हमें क्या निकालना, साइन ए, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, साइन ए बराबर कितना हो गया 7/25, पहला आंसर ये आ गया। दूसरा देखें कॉस ए, दूसरा क्या आएगा, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, तो ये क्या हो गया, कॉस ए, पहला वाला पार्ट हमारा जो है आ गया है, इन दोनों का आंसर है, ठीक है, पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। एक बार और चेक करेंगे, हमें साइन ए निकालना था, साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है पर 7 सेंटीमीटर, 7/25, कॉस ए निकालना था क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है यहाँ पर 24, कर्ण कितना है 25, पहला वाला आंसर आ गया। सेकंड वाले का देखें, अब हमें क्या निकालना है, अच्छा पहले वाला उतार लो, मैं रफ करने वाला हूं, उतारें जल्दी से। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर साइन सी, क्या निकालना है, साइन सी,
देखें अब इस वाले चित्र में थोड़ा सा बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा, अभी हमने थीटा ए को माना था, अब थीटा किसे मानेंगे, सी को। तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि लंब अब परिवर्तित होगा, लंब चेंज होगा। ठीक है, देखें सामने, अब हमें किसे मानना है, थीटा सी को मानना है। ठीक है, तो अब लंब कर्ण तो कर्ण रहेगा, बस लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखें इधर, अब हमें किसे मानना है, थीटा सी को। ठीक, क्योंकि हमें क्या निकालना, साइन सी निकालना है। पहले क्या निकालना था हमें, पहले हमें साइन ए निकालना था, तब हमने थीटा किसे माना था, ए को। अब क्या निकालना, साइन सी, तो थीटा किसे मानेंगे, सी को। यानी कि जो साइन या कॉस के साथ में दे रखा होता है, ए दे रखा हो, सी दे रखा हो, बी दे रखा हो, डी दे रखा हो, ई दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज हमें दे रखी हो हमें उसे ही थीटा मानना है। अब हम थीटा किसे मानेंगे, सी को मानेंगे। सी के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब। क्या कहलाएगा, लंब। तो थीटा के सामने वाला हमेशा क्या कहलाता है, लंब। थीटा और 90 को मिलाने वाली रेखा हमेशा क्या कहलाती है, आधार। यानी कि जब हमने थीटा इसे माना था तो लंब ये था, अब थीटा इसे माना है तो लंब ये है। अब हम क्या निकालेंगे, साइन सी। साइन सी बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। साइन का सूत्र मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवा रखा है, साइन बराबर कितना होता है, लंब बटे में कर्ण। लाल बटे कक्का से अगर आप लोग निकालेंगे तब भी क्या आएगा, लंब बटे में कर्ण। तो साइन सी बराबर कितना हो जाएगा, लंब। लंब कितना दे रखा है, 7, और कर्ण कितना दे रखा है, 25। साइन सी। कॉस सी देखें इधर, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है, 24, और कर्ण कितना है, 25। गलत हो गया, आधार यहां पर कितना है, वो तो 24 तो पहले वाले के लिए था, आधार कितना है यहाँ पर, 7। कितना है, 7। और बच्चों ये भी गलत होगा, यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर लंब है 24, लंब कितना है, 24, आधार कितना है, 7, और बटे में कर्ण कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, उतार लें आप लोग ये वाला भी, ये इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, दोनों पार्ट हमारे खत्म हो गए, पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, प्यारे बच्चों सभी लोग जल्दी के साथ में क्वेश्चन को उतार लो, जल्दी उतार लें क्वेश्चन। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसने, ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। देखें क्वेश्चन में कह रखा है, आकृति 8.13 में टेन पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें किसका मान ज्ञात करना है, टेन पी माइनस कॉट आर का, इसे लिख लेते हैं हम, टेन पी माइनस कॉट आर, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले टेन पी और कॉट आर, यहां से टेन पी और कॉट आर निकालने के लिए हमें आधार पता होना चाहिए। आधार भी आप लोग निकाल लेना, किस चीज से निकालेंगे आप लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। आधार यहाँ पर 5 निकल करके आएगा, स्वयं निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। आधार का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास 5, ये तीनों ही भुजाएं आ गई। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टेन पी, टेन पी निकालो। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टेन पी, तो थीटा कितना हो जाएगा, पी, क्योंकि यहां पर कितना है, पी। जब भी हम टेन के या साइन के या कॉस के, कॉस सेक के, सेक के किसी भी चीज के साथ वाली चीज को देखते हैं हम, क्या है यहाँ पर, पी। तो थीटा भी हम उसे ही मानेंगे, टेन के साथ में क्या है, पी, तो पी क्या होगा यहाँ पर, थीटा। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। अच्छा, 90 के सामने वाला कर्ण है ना, और थीटा और 90 को मिलाने वाली रेखा आधार। समझ में आया सभी के, टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, निकालें यहां पर, टेन पी बराबर कितना होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, लंब देखें 12, आधार कितना है, नहीं गलत, लंब कितना है यहां पर, 5, लंब कितना है, 5, आधार कितना है, 12। तो टेन पी कितना आ गया, 5 बटे में 12। अब हमें और क्या निकालना है, कॉट आर, क्या निकालना है, कॉट आर, कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा,
देखें, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, पहले हमने टेन पी निकाला तब थीटा क्या था पी, अब हमें क्या निकालना कॉट आर, तो थीटा भी हम क्या लेंगे आर लेंगे। समझ में आ रही बात नहीं? अगर हमें टेन के साथ में पी दे रखा था तब तो हम मानते थीटा को पी, अगर हमें टेन के साथ में पी दे रखा था तब तो हम थीटा पी लेंगे, लेकिन यदि हमें कॉट के साथ में आर दे रखा है तब हम थीटा किसे मानेंगे, हम आर को मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, अब थीटा क्या कहलाएगा, अब थीटा कहलाएगा आर। आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर एक ही चित्र में हम कैसे इसे कर सकते हैं, तो आपके लिए और टेन पी के लिए अलग चित्र बनाना है और कॉट आर के लिए अलग चित्र बनाना है। समझ में आ गई बात? टेन पी के लिए पहले वाला चित्र था, कॉट आर के लिए ये वाला चित्र है। ठीक है, निकालते हैं कॉट आर। कॉट आर बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर, थीटा के सामने वाला लंब और थीटा और नब्बे को मिलाने वाला आधार। देखें आपस में चेंज हो गए लंब और आधार, है ना, हो गए या नहीं? अब हमें क्या निकालना है, कॉट आर, क्या निकालना है, कॉट आर। तो कॉट आर निकालते हैं, कॉट आर का मतलब क्या होता है, यानी कि टेन का उल्टा, कक्का बटे लाल, यानी कि आधार बटे में लंब। आधार कितना है यहां पर पांच और लंब कितना है बारह। देखिए दोनों ही टेन पी कितना है पांच बटे में बारह और कॉट आर भी कितना आया पांच बटे में बारह। कॉट आर के लिए ये वाला चित्र दोबारा से है, इससे पहले जो था चित्र जो कि मैंने यहाँ से रफ कर दिया वो एक चित्र अलग बनेगा, ये वाला एक अलग बनेगा। वो वाला चित्र टेन पी के लिए था, ये वाला चित्र कॉट आर के लिए है। बच्चों अगर कोई भी बात मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे या फिर वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, और कमेंट सभी किया करो, लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कॉट आर और टेन पी दोनों ही निकाल लिए, इन दोनों को हम यहाँ पर रख देंगे इस वाली समीकरण में, तो कितना हो जाएगा ये टेन पी की जगह रखो कितना आ जाएगा पांच बटे में बारह, जहां पर टेन पी है वहां पर कितना आ जाएगा पांच बटे में बारह, जहां पर कॉट आर है वहां पर भी कितना आ जाएगा माइनस के पांच बटे में बारह। केवल क्या किया है, जहां पर टेन पी था वहां पर हमने टेन पी का मान रख दिया, जहां पर कॉट आर था वहां पर हमने कॉट आर का मान रख दिया है, इससे ही कट जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा जीरो। समझ गए भी बच्चों, आंसर कितना आ जाएगा जीरो, क्योंकि टेन पी का मान हमने कितने निकाला पांच बटे में बारह और कॉट आर का मान हमने कितना निकाला पांच बटे में बारह, दोनों का मान रख दिया इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया जीरो। उतार लें जल्दी से और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए दो क्वेश्चन काफी हैं, लेकिन होमवर्क दिए बिना हम अपनी वीडियो को कभी समाप्त नहीं कर सकते। होमवर्क लिखें घर से। बच्चों ये आप लोगों का घर से होमवर्क है, क्या दे रखा है होमवर्क में, एक त्रिभुज दे रखा है, तीन और चार ये भुजाएं दे रखी हैं, ये वाली भुजा आपको निकालनी है और उसके बाद में साइन ए निकालना है, कॉट ए निकालना है, कोसेक ए निकालना है, फिर साइन सी निकालना है, कॉट सी निकालना है, सेक सी निकालना है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, और आप सभी लोगों से मैं लास्ट में यही कहूँगा होमवर्क सभी करें और मुझे मैसेज भी सेंड करें, फोटो खींच के सेंड करेंगे ताकि मुझे पता लग जाए आप लोगों ने होमवर्क किया है या फिर नहीं किया है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी होता है।